नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं समय खड़ा हूँ फाजिलका के प्रताप बाग के बाहर, जहाँ पर फाजिलका के इस प्रताप बाग को सुंदर बनाने के लिए महिलाएं, बच्चे और जवान यहाँ पर उमड़े हैं, जिनके द्वारा पार्क को कलरफुल बनाया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत टीम रंगला बंगला के संचालक रंजम कामरा द्वारा की गई थी और आज ये एक मुहिम बन चुकी है। फाजिलका के इस प्रताप बाग को खूबसूरत बनाने के लिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह का यहाँ पर माहौल है। मेरे साथ मौजूद हैं फाजिलका नगर कौंसिल के उप प्रधान डॉक्टर निशु डोगरा। इनसे बातचीत करते हैं क्या प्रताप बाग में किस तरह किया गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी भैया। जी क्या कहेंगे, किस तरह का अभियान है और किस तरह की शुरुआत की गई? भैया जैसे आप पिछले दिनों में देख रहे थे कि रंगला बंगला टीम की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मिस्टर रंजन कामरा प्रेसिडेंट उनकी तरफ से इसका एक सफाई अभियान शुरू करा गया था। मतलब सफाई अभियान तो हम साथ साथ ये कहेंगे कि इसका एक रिन्यू हो रहा है कि हर एक चीज़ रिन्यू हो रही है, तो उसमें आज हमारा भी सहयोग आगे भी है। आज हम सारे फ्रेंड्स मिलके आए हैं यहाँ पर, जो भी पेंटिंग्स होने वाली हैं, हम बहुत सारे आर्ट्स बनाने लगे हैं आज पे। मतलब एक हम अपना एक कॉर्नर ब्यूटीफाई कर रहे हैं कि जिसमें हम आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि शायद हम मंथ की एक अपनी गेट टुगेदर यहीं आके करा करेंगे। आगे किस तरह का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा फाजिलका, जैसे आपने पिछले नगर कौंसिल में मीटिंग की हुई थी, ब्यूटीफुल फाजिलका बनाने का इंटरेस्ट। हाँ जी सर, वो ऑलमोस्ट वो सारे हमारे मते पास हो चुके हैं। उनका जो प्रोसेस का 21 डेज का या 30 डेज का जो टाइम होता है, वो टाइम पीरियड एज इट इज़ लगेगा। और जो हमने बोला था कि आई लव फाजिलका वाले लोगो और एक नेशनल फ्लैग हम लेके आ रहे हैं, वो अभी तक तो हमने एक ही प्लान अप करा है। अगर हमें लगेगा कि कहीं और कॉर्नर पे हमें किसी एक एंट्रेंस पे देना ज़रूरी लगेगा, तो डेफिनेटली हम वो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए करेंगे। और प्लस हम प्रताप बाग के लिए जो लाइक हमारा मत के अकॉर्डिंगली हमने 17 लाख का एक प्रोजेक्ट का कल हमने पास किया, उसमें इसमें ओपन जिम एरिया आएगा, हो सकता है हम एक बड़ी LED स्क्रीन लेके भी आएंगे, और प्लस बच्चों के लिए जो झूलों की जरूरत, जो भी मतलब ज़रूरत है इस जगह की, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सो दैट दिस इज़ द ओनली कॉमन प्लेस फाजिलका के लिए जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल फाजिलका के कभी ना कभी विजिट ज़रूर करते हैं। तो ये एक NGO है या कांग्रेस की तरफ से? हाँ सर, ये मेरी एक NGO है, ब्लेसिंग एक उम्मीद, हम सारे उसके मेंबर्स भी हैं। और बाकी रहा कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी हम सारे, इट इज़ सर ये गुड डीड चल रहा है, इसमें मैं नहीं चाहती कि हम किसी एक पार्टीबाजी को लेकर चलेंगे, इट इज़ ए गुड डीड, उसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी NGOs और भी कई हैं जो फाजिलका की सुबह मॉर्निंग में भी आती हैं, वो सब NGOs पार्टिसिपेट, बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं थैंक्स करूंगी डॉक्टर निशु का जो आगे लग रहे हैं, और सबको इकट्ठा करना ये भी बहुत बड़ी बात है, इकट्ठा लेके चल रहे हैं और बहुत कमेंडेबल एक्ट हो रहा है यहाँ पे। आप देखो, मैं यहाँ पे रेगुलर वॉक करने आती हूँ और कभी इतनी सफाई नहीं दिखी जो अब मुझे दिख रही है, और आगे भी ऐसा ही होता रहे, हम तो यही चाहेंगे एज अ फाजिलका सिटीजन कि हमारा कि ये सिर्फ एक इनकी ड्यूटी नहीं है, हम एज अ सिटीज़न हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम सब आगे आए, इनकी हेल्प भी करें और रेगुलर आगे भी हम अपने पार्क को साफ करने में इनका सहयोग दें। जैस्मिन कौर। तो जैसे आपने देखा, महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है फाजिलका में। आज हमारे साथ अभी मौजूद थी नगर कौंसिल की उप प्रधान डॉक्टर निशु डोगरा। एक संस्था चलाती हैं जो
समाज सेवा के काम करती हैं और थी आज यहाँ पर ये पेंटिंग का अभियान चलाया गया है। आरमूंगा बेटे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? पेंटिंग। तो अब कैसे पता चला आपको यहाँ पे पेंटिंग करनी आके? इसने बताया। इसने? ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। ये लेके आया यहाँ पर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पेंटिंग करके? अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को अच्छा लग रहा है यहाँ पर पेंटिंग करके। हुमर्स काफ़ी है लेकिन बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे यहाँ पर जो हैं वो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं और पार्क को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरे को घुमाएं और दिखाएं किस तरह का यहाँ पर माहौल है और किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं। फाजिलका के प्रताप बाग की ये तस्वीरें हैं जहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आइए बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से जो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं और किस तरह का ये महसूस कर रहे हैं। जी क्या नाम है? नेहा बटला। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फाजिलका जो अपनी शान है पाक, उसी को ही हम कलरफुल बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं ताकि बच्चों को भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगे। हमें स्पेशली डॉक्टर निशु डोगरा का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं पार्क में। हमने कहा इसमें तो हमारा बहुत बड़ा अच्छा संभाव है कि हम आए हैं यहाँ पे आपके साथ। ये हम वाटर एक्वेरियम बना रहे हैं जिसमें हम कलरफुल फिशेस बना रहे हैं ताकि बच्चों को आके बहुत अच्छा लगे। सारे ब्राइट कलर्स यूज़ करें हमने और कि प्लीज़ जो भी आपका वातावरण है उसको साफ रखिए एंड इसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने भी यहाँ बहुत काम करा है तो जो भी हमने करा है इसको प्लीज़ ध्यान से रखें आगे से। जी थैंक यू। क्या नाम आपका? नेहा जी। थैंक यू नेहा जी। तो इनसे बातचीत करते हैं जी। आप क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी क्या कहेंगे, किस तरह का आपके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है पार्क? एक्चुअली हम लोग पार्क को थोड़ा नीट एंड क्लीन कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे शाम को आते हैं तो वो ये इन्वायरमेंट को देख के अच्छा फील करें, कलरफुल फील करें, अच्छा फील करें, बेटर फील करें, इसके लिए हम इसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। एकदम से किस तरह प्रेरणा आई आपके मन में भी पार्क को जाके हमने आज कलरफुल बनाया? एक्चुअली डॉक्टर निशु टोल्ड अस कि हाँ हमें आना चाहिए, थोड़ा आगे आना चाहिए, थोड़ा ब्यूटीफाई करना चाहिए। ये थोड़ा अगली सा भी रह रहा था पार्क, हमें था थोड़ा मेंटेन कर दें। कोविड की वजह से यहाँ पे क्लीनिंग भी कम हो रही थी। दैट्स व्हाई। जी क्या नाम है आपका? ममता जी। ये ममता जी से जो हमें जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टर निशु डोगरा द्वारा इन्हें जानकारी दी गई और ये पार्क में पहुँची और पार्क को कलरफुल बनाने का काम शुरू किया गया। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे तो सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। फाजिलका के प्रताप बाग की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर पूरा किया जा चुका है, बेंच को सजाया जा चुका है। तो देखते हैं किस तरह का इनके द्वारा ये सजावट की गई है और बेहद खूबसूरत इस बेंच को बना दिया गया है। पहले आपको दिखाया था कि इसकी हालत कैसी थी और अब ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो किनके द्वारा ये बनाया गया है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपको? सोनिया। ये क्या कहेंगे आपके द्वारा इस बेंच को खूबसूरत बना दिया गया, इससे पहले कुछ इसका रूप अलग था? ये पहले सिंपल था, हमने इसको डेकोरेट किया है सुंदर बनाने के लिए। तो आगे भी इस तरह के प्रयास करेंगे? हाँ जी, पार्क को सुंदर बनाने के लिए हम ये प्रयास करते रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फाजिलका वासियों को आज हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे ये पार्क पहले हम आते थे तो इतना खूबसूरत नहीं था, आज हमने इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है, आगे भी हम करते रहेंगे। तो और बातचीत करते हैं, देखते हैं दूसरी जगह पर, देखते हैं कि क्या किया जा रहा है। पेड़ों पर भी देखिए किस तरह से पेड़ों पर भी यहाँ पर चित्रकारी की जा रही है। तो कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार तस्वीरें ये भी दिखाए। पेड़ों पर जो है वो पेंट करके इन्हें सुंदर बनाया जा रहा है। फाजिलका में सबसे पहले पेड़ों पर पेंट करके इन्हें सुंदर बनाने का काम जो है वो इतिहासकार लक्ष्मण दोस्त द्वारा शुरू किया गया था। इतिहासकार लक्ष्मण दोस्त से भी आपको मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से उनके द्वारा जो मुहिम शुरू की गई थी उसके द्वारा किस तरह का रंग लिया गया है। इतिहासकार लक्ष्मण दोस्त के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह का इनके द्वारा ये जो मुहिम छेड़ी गई थी पेड़ों पर चित्रकारी करने की, क्या मुहिम थी और किस उद्देश्य से इस मुहिम को शुरू किया गया? देखो मेरा उद्देश्य ये सीखा कि
फाजिलका शहर नू ब्यूटीफुल बनाना कलरफुल नाल। और यह असी 5 साल पहले ये शुरुआत की सी, मैं पूरी फैमिली दे नाल अपने मोहल्ले तो ही रघुवर भवन तो शुरुआत की सी इहदी। अज वो मुहिम चलती चलती 5 साल तो अज पार्क दे विच जो देखे है कि लेडीज़ का एडा वड्डा ग्रुप, दैट मीनस मेरी जिहड़ी वो पिछे जिहड़ी मुहिम की सीगी वो अज मैनूं तां सफल नज़र आई है। बस इस तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी मुहिम ही एक सफल होगी जिस दे पिछे मैं लग्या सी वो अज सफल हो गई है। मैनूं तां बड़ी खुशी हुई है इस गल्ल दी। जी ये फाजिलका के प्रतापबाग की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर महिलाओं द्वारा पार्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। तो बातचीत करते हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एक लेडीज़ जिनसे पूछेंगे कि किस तरह का उनके द्वारा ये प्रयास किया। हाँ जी, की नाम है? विशु जी। विशु जी, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है और कितनी प्रेरणा नाल तुसीं ये काम शुरू किया? प्रेरणा तो देखो वातावरण साफ रखना अपनी जिम्मेवारी है, तो अपन ये काम बहुत पहला स्टार्ट कर देना चाहिए सी। चलो देर आए दुरुस्त आए जी। बॉर्डर से भी तुहाडे वल्लों पेंटिंग की गई है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फाजिलका के बॉर्डर में सजाया गया, गणतंत्र दिवस के बॉर्डर में सजाया गया, होर भी कई जगह पर पेड़ों की चित्रकारी की गई है। किस तरह से तुहाडे अंदर ये प्रेरणा सी जिन जो कि अज मुहिम बन गई है और शहर की हर लेडीज जो है वो चित्रकारी कर रही है? सर ये तो एवें है कि वातावरण जोड़ा अपना जो ही दूषित होएगा तो दैन आप रवे किमें, ठीक है ना। वातावरण साफ सुथरा रखना अपनी सारे की जिम्मेदारी है, तो इस करके असी ये मुहिम शुरू की कि लोगों के मन में जागरूकता आए कि अपना आस पास साफ रखिए। जे खूबसूरत चित्रकारी की होगी तो लोग आप उत्थे गंद मारन तो पहले गंद फेंकन तो पहले सोचेंगे। हाँ जी, तो जहाँ पर खूबसूरती होगी वहाँ पर लोग गंदगी नहीं फेंकेंगे, इस मोटिव के साथ इनके द्वारा ये चित्रकारी का काम जो है शुरू किया गया था, सेवा शुरू की गई थी जो कि आज एक मुहिम बन गई है और फाजिलका की महिलाएं जो हैं वो चित्रकारी कर रही हैं। तो आइए ले चलते हैं, एक और हमारे पास बेंच है जहां पर पेंटिंग का काम चल रहा है, महिलाएं जो हैं वो पेंटिंग कर रही हैं। फाजिलका के प्रताप बाग की ये तस्वीरें हैं, तो यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने का जो है वो काम किया जा रहा है, कलरफुल किया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की गल है कि अभी फोन से काम शुरू किया, पार्क की सफाई का काम शुरू किया, टीम रंजन कामरा जी वालों काम शुरू किया, रंगला बंगला फाजिलका वालों शुरू किया गया। उस दे मद्देनजर रखते हुए सारे ने देखा कि बहुत वधिया तरीके का काम चल रहा है, तो वक्री वक्री NGO भी जाके सपोर्ट कर रही है। कोई क्रिटिकल काम नहीं है, ये सारे ने इतने वॉक करनी होंगी, मॉर्निंग वॉक से भी आते, इवनिंग वॉक से भी आते हैं। बहुत ज़्यादा गंद सी इतने, कुछ लेबर की हड़ताल करके इतने सुपर नहीं आ रहे थे। साड़ी टीम ने रंगला बंगला ने अज इनू इन्ने वधिया मोड़ से लिया के खड़ा करता कि सारे इतने सुकून फील करते हैं आके। शाम की वॉक जी है अगे इन्ना कहीं कट नहीं वेखने मिलता सीगा, हूँ इतने वधिया तरीके वॉक भी कर रहे हैं। प्लस अज जी यूथ महिला कांग्रेस कमेटी लेडीज़ ने उन्होंने होर NGO रल के इतने अच्छे लेडीज़ करन आई हैं, पेंट करन आई हैं, आपका सहयोग पाने आए हैं। अभी बहुत धन्यवादी हैं डॉक्टर निशु डोगरा जी का, जो वाइस प्रधान ने नगर कौंसल के, पूरी कांग्रेस कमेटी का जी दिल की कराई है, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर जी। अमृत जी, आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी वो आज एक विशाल रूप लेती जा रही है, लोग इस मुहिम के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये रंजन कामरा जी वालों मुहिम जी स्टार्ट की गई सी, तो ये साढ़े यूथ कांग्रेस के काफ़ी मैंबर, उन्होंने अलावा शहर के भी काफ़ी मैंबर हूँ इतने पार्क के आते हैं। पार्क का पहला आप देखिए तो हूँ देखिए बहुत ज़्यादा फर्क है भाई, जो जिस टाइम आप इस पार्क में देखा सी बहुत ज़्यादा गंदगी तो ढेर लगे हुए सी, इतने शराबी बैठते सी, बहुत बुरा हाल सी, बाहर सारे रोड पर ही सैर करके चले जाते, पर हूँ सारे लेडीज़ वगैरह भी इतने सवेरे भी शाम को भी पूरा रश हुंदा, साफ सफाई है इतने सारा कुछ, रंजन कामरा जी की टीम ने जा बाकी यूथ कांग्रेस की टीम ने सारा किया, तो हूँ बहुत वधिया सिस्टम इतने बन गया जी। की कहोगे रंजन कामरा जी वालों सुपना देखा गया सी उसनू साकार करन दे विच तुहाडी एक अहम भूमिका नज़र आती है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता उठाना इतने लैके आना सफाई करवानी, तो इन लैके की कहोगे? इतना जी चलो मैं तो सवेरे 5:30 मैं रंजन कामरा जी उठाते हैं, वो फोन करते भी उठ जाओ जी, फिर अगे मैं सारी टीम उठाना जी, सारी टीम आती है, खुश होकर आते हैं सारे। एक तो सवेरे सवेरे भी मौसम भी वधिया होंदा, सैर हो जाती है, तो सफाई भी हो जाती है, ये अपना आपका घर ही है,
फाजल का अपना आपदा है, पार्क अपना आपदा है, तो भी ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल पूरा हो गया है, भी ये बच्चे कोई दोहराए नहीं, तुम देख ही रहे हो भी साफ सफाई भी तो पार्क का माहौल सारा कुछ बहुत वधिया हो गया, सुपना उन्होंने पूरा हो ही गया जी। ये थे अमृत जी जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रंजम कामरा जी ने उठाते थे और ये उसके बाद कार्यकर्ताओं को उठाकर यहाँ पर लाते थे, जिनके द्वारा यहाँ पर पार्क को सुंदर बनाने का जो सपना रंजम कामरा जी द्वारा देखा गया था उसे आज पूरा होते देखा जा रहा है, तो उस पर खुशी जताई जा रही है। आपको इसी तरह से हम कवरेज दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।